एक और बड़ी अजीब गरीब बात ये लोग कहते हैं कि पंद्रह शाबान को जो फौत हो गए इस दुनिया से चले गए उनकी रूहें आती हैं उनकी रूहें यानी आत्मा है पंद्रह शाबान को आत्माएं आती हैं रूहें आती हैं ये हिंदुओं का एक अकीदा है ना कि जो आदमी बिस्तर पर नहीं मरता है हो सकता है मैं इधर उधर से पढ़ के मैं नकल कर रहा हूं हो सकता है ये बात सही तौर से बयान तो ना कर सकता क्योंकि जाहिर है कि हिंदू मज़हब की किताबों का माहिर नहीं लेकिन लोग बयान करते हैं कि उनके यहाँ यकीदा होता है कि जो आदमी फितरी मौत नहीं मरता है यानी बिस्तर पर नहीं मरता है एक्सीडेंट हुआ कुछ हो गया तो उसकी आत्माएं भटकती रहती उसकी रूहें भटकती रहती हुँ? तो उसका उनके यहाँ एक प्रोसीजर होता है उसको ठिकाने लगाने का रूहों को तो इस इस्लामी अकीदे में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि मरने के बाद किसी की आत्मा भटकती रहती है ना आदमी मर गया खत्म उसका जिसम उसका सब यहाँ से रुखसत अब यहां कुछ नहीं बचा है ये जिसम हम मिट्टी के हवाले कर देंगे और रूह तो पहले से जा चुकी है तो ऐसा नहीं है कि आत्माएं भटकती हैं रूहें भटकती हैं यह गलत बात है तो पंद्रह शाबान में एक अकीदा यह है लोगों का कि रूहें जो है आती हैं घूमने टहलने आती हैं हमारे घरों में बल्कि बाद लोग तो उनके मनपसंद खाना भी उन बनवा के रखते हैं कि अगर किसी के अब्बा फौत हो गए तो आज आएंगे वो तो क्या क्या खाते थे बना के रख दो मैं गुलबरगा में रहता था तो कुछ लोग बीड़ी सिगरेट भी रखते थे कि अब्बा पीते थे रख लो अभी आएंगे पियेंगे बीड़ी सिगरेट भी रख देते थे बेवकूफ़ कहेंगे तो ये कोई नहीं आता होता भाई देखिये कुरान में अल्लाह तला ने कहा है सूर मोमिन में अमि वरा बर जख्न इलासु कि जो इस दुनिया से चला गया अब इस दुनिया और जहां भी वो गया है बीच में एक आड़ है कब तक क्यामत तक एक पर्दा है पर्दे के उस पार चला गया है वो अब इधर नहीं आ सकता है एक रिवायत है कि सोन तिरमिजी की कि जाबी रजील के वालिद अब्दुल्ला रज़ी शहीद हुए तो अल्लाह तला ने कहा कि तमन्ना कि, कि बंदा मांग क्या मांगता मैं दूंगा अल्लाह तला ने एक शहीद की रूह से क्या कहा कि तू मांग क्या मांगता है मैं तुझे दूंगा जैसे पहले बादशाहों का दौर होता था तो बादशाह क्या कहते किसी से खुश होते तो क्या बोलते थे मांग मांगा इनाम दूंगा मांग क्या मांगता है अता किया जाएगा तो अल्लाह तला कहता है अच्छा जब बादशाह बोले ना कि मांग क्या मांग अता किया जाएगा तो हो सकता है सामने वाला कहते पूरी हुकूमत दे दे तो देगा नहीं देगा तो ऐसा नहीं कि बादशाह उसकी मांग पूरी कर देगा लेकिन अपने जोश में अपने भड़कपन में बोल देता मांग क्या मांग अदा किया जाएगा लेकिन अल्लाह अगर कहता है कि मांग क्या मांग तो कुछ भी मांग ले वो बोले पूरी दुनिया चाहिए तो हजारों दुनिया बना के दे सकता है अल्लाह तला क्या मांगेगा वो तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन कह रहा है अपने बंदे से कि तुझे शहादत नसीब हुई है मांग क्या मांग है मांगता है मैं दूंगा तो अब्दुल्ला रजी अल्लाह क्या मांगते हैं पता कहते हैं कि दुनिया में वापस भेज दे मैं दोबारा दुनिया में चाहता हूँ दोबारा तेरी राय में जो है शहीद होना चाहता हूँ तो अल्लाह तला ने क्या कहा, कहा? लायर जो ये तुने क्या मांग लिया ये तो नहीं मिल सकता क्योंकि मेरा ये पहले फैसला हो चुका है कि जो यहां आ गया वो वहां नहीं जा सकता यानी हमारे कानून के खिलाफ तूने मांग कर दी है यानी कानून के खिलाफ मांग कर रहा है जबकि अल्लाह तला कह भी चुका था कि तुझे दूंगा मांग क्या मांगता है यानी एक शहीद ने मुताबा किया कि दोबारा दुनिया में भेज अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया ये तो नहीं पूरा किया जाएगा ये तो का, हमारे कानून के खिलाफ तेरी मांग है और आज का मल बड़ी आसानी से कहता कि नहीं सब टहलने आएंगे घूमने आएंगे रूहे आएंगी कोई नहीं आता पता भाई ये सब जिहालत की बातें किसी की रूह नहीं आती मरने के बाद रूहा का मामला एक जगह है और एक जगह है सिंह वहाँ पे रूहें रहती हैं वहाँ से किसी को छुट्टी नहीं कि यहाँ आगे घूमने टहले सनन तिरमिजी की एक रवायत है कि इल्ली इन में जहाँ जन्नतियों की रूहें होती हैं वहाँ जब कोई नया आदमी फौत होता है और उसकी जब रूह आती है तो पहले से जो रूहें हैं ना वो क्या पूछती हैं वो कहती हैं कि वो फला आदमी कैसा है जैसे ना किसी ज़माने में टेलीफोन वगैरह नहीं होता था तो गांव से कोई आता था तो यहाँ के लोग उसको घेरते थे पूछते थे फलानवा कैसा है दफा कैसा है हालचाल पूछते थे बैठ के चालू घेर के अभी तो टेलीफोन हो गया कौन किसको पूछता है लेकिन पहले पूछते थे ना क्या हाल चाल है गाँव का तो ऐसे इलीन में जब कोई नया आदमी जाता है मर के तो जो पुरानी रूह है ना जो पहले फौत हो चुकी है वो आके उसको घेर लेते पूछते हैं कि भाई फला आदमी का जैसे कोई बेटा है तो पूछेगा मेरे अब्बा का क्या हाल है कोई अब्बा है तो मेरे बेटे का क्या हाल है फला का क्या हाल है पूछते हैं सवाल करते हैं तो उस रवायत में आगे है कि एक आदमी के बारे में लोग पूछते हैं वो नहीं रू जो कहती है वो कहती उसके बारे में तुम पूछ रहे हो तो मुझसे पहले मर चुका है वो तो मुझसे पहले मर चुका है मैं उसके बारे में क्या बताऊँ वो तो तुम लोग बताओ तो वो लोग कहते कि नहीं वो तो इधर नहीं आया इसका मतलब वो वहां गया जो जहनवियों की रूह है वहां पर चला गया इधर तो नहीं आया तो इस रिवायत से भी क्या पता चलता है इससे पता चलता है कि रूहों को नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है एक आदमी मर के जब जाता है तो उससे इन्फॉर्मेशन लेती है रूहें कि क्या हो रहा है और ये इन लोगों का किताब मान ले कि हर पंद्रह तारीख को घूमने टहलने आते हैं तो नए आदमी से पूछते कि क्या हो रहा है पूछते कि क्या हो रहा है जी अजीब वो करीब अकीदा बना के रखा वो भी हिंदुओं का जो है अकीदा अपना के रखा है कि रूहें टहलने आती घूमने आती पुराने जमाने में जब इल्म कम था उलमा कम थे और छोटा छोटी मोटी किताब पढ़ के आदमी अल्लामा टोपी लगा के बैठा रहता था हाँ सबसे बड़ा जो है मौलाना दिखता था देखिए भाई साहब टोपी लगाए तो ऐसे टोपी वोपी लगा के और ड्रेसिंग मार के वो अपने आप को मुफ्ती बन के बैठा रहता था तो सबसे बड़ा मसला पुराने जमाने में खाने का होता था इसलिए जो बदतें ईजाद करते थे ना उसका एक गहरा कनेक्शन है खाने पीने का आज के ज़माने में अगर विद्यतियों को छूट मिले तो ये खाने पीने का देखिए बदतियाँ आज के ज़माने में बदतें भी मॉडर्न हो गई हैं ना ना ऐसी बद्यतें ईजाद की जा रही हैं जिससे पैसा आए आज के ज़माने में पुराने जमाने में ऐसी विद्यतें ईजाद की जाती थी जिससे खाना आए क्योंकि पुराने जमाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम खाने का था बाकी रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है घर का किराया नहीं देना है कहीं भी आप छप्पर बांध के रहना शुरू कर दो बहुत सारी जमीन है लाइट का बिल नहीं देना है पानी का बिल नहीं देना है ट्रेवलिंग का कोई खर्चा नहीं गधा है काफी घूमते रहो उस पर बैठ के आए हाँ। कोई बीमार हो गया लोकल हकी माँ दे देगा कोई नुस्खा कोई खर्चा ही नहीं था प्रॉब्लम था सिर्फ खाने का बाकी एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं था इसलिए उस जमाने में जो लोग खाने पीने जो बिदतें बनाते थे ना उसको लिंक करते थे खाने से किस बहाने खाना है तो ये जो है ना कहते थे रूहे आएंगी तो उसके चक्कर में क्या बनवाते थे खाना खाना बनाओ तो खाना जो रखा था, था ना तो रू पता नहीं कब आके चलेगी समेट ले के लेके जाता था कोई मोलवी जो मियाँ फकीर होता था ना लोकल फकीर जो होता था वो समेट के ले जाता था अपने घर तो अपना खाने के लिए सब बना के रखा लेकिन आज के जमाने में देखिए जो बिदतें जाती थी हाँ कबरों पर हो नोट फेंको पैसा चढ़ाओ ये चढ़ाओ तो अब इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया बिदतों को सिस्टम बदल दिया है अब खाना तो हर घर में रहता है ना खाना लेके क्या करेंगे नहीं अब पैसा चाहिए पैसा आप इसको कभी नोटिस करेंगे ना तो देखेंगे कि आज की बदतें अलग अंदाज से ईजाद हो रही हैं जिससे रुपया आए पैसा आए दौलत आए हैं तो खजाना मिले इस तरह की बदतें भी ईजाद हो रही हैं वो खाने वाली बदतें अब खत्म अब नए नए इस दौर में कोई नहीं ईजाद करता है और ये भी बहुत जल्दी सब खत्म हो जाएंगी ये ये जो अकीदा है ना रूहें आती हैं ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा अब इसकी जरूरत नहीं इन लोगों को पेट भरा हुआ है सबका अब ऐसे अकीदों की जरूरत नहीं है अब नए नए दूसरे बिदतें आएंगी इनकी